नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो रक्तदान को लेकर दे रहे हैं मानवता का संदेश। अपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने बताया कि सीतेश 6 साल का बच्चा जिससे क्रिकेट की बॉल गुप्तांग में लगने से घायल हो गया था, एक निजी हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होना था। चूंकि बच्चे के माता पिता परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिल्ली में मजदूरी करते हैं, बच्चा अपने दादा दादी के साथ गांव में रहता है। ऑपरेशन के लिए ब्लड की आवश्यकता थी। बच्चे का रेयर ग्रुप बी नेगेटिव होने के कारण कहीं नहीं मिल रहा था। बच्चे के दादा ने रोते हुए अपने पोते की जान बचाने के लिए आपाजी ब्लड से मदद मांगी। ब्लड बैंक परिवार के सहयोग से नेगेटिव ब्लड मिल गया, लेकिन उनके पास कोई एक्सचेंज के लिए डोनर नहीं था। ये जानकारी सालों से निरंतर रक्तदान करने वाले स्कूल संचालक अनुपम विलियम को दी। उन्होंने तुरंत आकर रक्तदान किया और जीवन का 40वां रक्तदान भी पूर्ण किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रक्त देने में डर की कोई बात नहीं है, मैं कई वर्षों से निरंतर रक्तदान करता आ रहा हूं, मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं आई और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। रक्तदान करना अच्छी चीज है, सभी को एक दूसरे के लिए रक्तदान करना चाहिए जिससे पीड़ितों की मदद हो सके। ब्लड की व्यवस्था हो जाने पर मासूम बच्चे के दादा ने कहा कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं अपने लड़के को क्या मुंह दिखाता, आप लोगों की मदद की वजह से मेरे ऊपर एक कलंक लगने से बच गया। उन्होंने अनुपम विलियम को और आपाजी ब्लड ग्रुप को आशीर्वाद रूपी दुआएं दी। दिवस सब, क्या शुभ नाम है आपका? अनुपम विलियम जी। अनुपम जी, आज आप किसको दे रहे कर रहे हैं जो रक्त? कोई 6 साल का बालक है जी, कोई ऑपरेशन होना है उसका जी। मैं अनमिग हूँ, ऑपरेशन में जरूरत है उसके जी। ये अभी तक आप लगातार रक्तदान करते रहते हैं देखा गया है जी। तो ये अभी तक आपका कौन सा रक्तदान है? ये मेरा 40वां रक्तदान। तो रक्तदान को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे समाज को? अच्छी चीज है, कोई खराब चीज नहीं है जी, और कोई डर की बात नहीं है जी, और सभी को इसमें हाथ बढ़ाना चाहिए इसके लिए जी, किसी की मदद हो सके जी, यही ध्येय से करते आए हैं और सबको करना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।